गुना में 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, अंचल के कई रास्ते बंद। बमोरी क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर, प्रशासन ने की अपील, किया सावधान, किसी भी हालत में नदी नाले पार ना करें। गुना में अगले 24 घंटे के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट घोषित। उफनती नदी में बाइक के साथ नदी पार कर रहे दो युवक तेज बहाव में बहने से बमुश्किल बचे। झागर नदी में बहते बहते बचे दो मोटरसाइकिल सवार। गुना जिले में नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन आज दो युवक झागर नदी में बहते बहते बचे। मिली जानकारी के अनुसार विगत दो तीन दिन से हो रही रिमझिम बारिश और मूसलाधार बारिश के बीच कई नदी नाले उफान पर हैं। कई घरों में पानी घुस गया, वहीं साने चौकी में भी पानी घुस गया। कोलूपुरा रपटा भी उफान पर था। इसी बीच झागर चौकी की पुलिया भी अपने पूरे उफान पर थी। फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर इस पुलिया को पार कर रहे थे, लेकिन आज इसी पुलिया पर दो मोटरसाइकिल सवार बहते बहते बचे। गनीमत रही कि पानी का बहाव तेज होने के साथ ही एकदम कम हुआ, तो मोटरसाइकिल सवार बहने से बच गए, वरना बड़ा हादसा घटित हो जाता। रामपुर कॉलोनी। कहाँ से आ रहे हो आप? गुना से। कब से खड़े हुए हो यहाँ पे? 11 बजे। कितना टाइम हो गया? अभी कितना बज रहा है? हमें हो गया करीबन 3.5 घंटे। तो यहाँ पे अभी कितने लोग फंसे हुए थे सुबह, जैसे आप 11 बजे से खड़े हो, कितने वाहन? 200 लोग फंसे थे इधर से भी और उधर से भी। कितने वाहन खड़े हुए थे? करीबन 40-45 वाहन थे, फोर व्हीलर और टू व्हीलर, तो करीबन 100 सवार। नदी तेज उफान पर है? नदी बिल्कुल तेज उफान पे थी, अभी तो पानी थोड़ा कम हो गया है। सभी बमोरी क्षेत्र वासियों से विनम्र निवेदन है कि वर्षा के फलस्वरूप क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि पुल, नदी नाले व रपटों पर अत्यधिक पानी होने की दशा में रपटों, नदी नालों को पार ना करें। ऐसा करने की दशा में आप किसी भी अप्रिय घटना का शिकार हो सकते हैं। अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटित होती है तो तुरंत संबंधित थाने व कंट्रोल रूम को सूचना दें व पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद।